The next speaker is Kahkashan Perween. उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस बिल पर बोलने के लिए खड़ी हूँ। ये बिल केंद्र विश्वविद्यालय और केंद्र जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की बात है। जनजाति विश्वविद्यालय खोलकर सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जिससे जनजातियों के जीवन पद्धति, संस्कृति, परंपराओं और उनके योगदान और उनके जो नायक रहे हैं उन पर अध्ययन एवं करने का अवसर, अध्यापन करने का अवसर मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी को ये बताना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री महोदय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो पूरी दुनिया में नाम है, वहाँ रतन टाटा लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में लगभग 300 बच्चे रोज़ाना वहाँ अध्ययन के लिए आते हैं, लेकिन 2 महीने से उस लाइब्रेरी का एसी खराब है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जो है पठन पाठन का काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग विश्वविद्यालय बना रहे हैं ताकि किसी भी के राज्य की तरक्की वहाँ के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही निर्भर करती है। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल से कोई भी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने भी अपनी बातें, प्रोफेसरों की कमी की बातें कही हैं। जो हमारा कहना है कि जो देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, जिनका गुडविल है, आज संकट के दौर से जूझ रहा है, वहाँ शिक्षक जो हैं छात्रों के अनुपात में नहीं हैं, वहाँ छात्रावास की कमी है, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ी ताकत जो हमारे संस्थाओं को कमज़ोर करने में लगी है और निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने में लगी है, हमें अगर इस सब पर ध्यान देंगे तो जो लोग हमारी जो केंद्र, जो हमारी संस्था है, हमारी जो सरकारी संस्था है उसको डाउन करके और जो निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने वाले लोगों के इरादे जो हैं वो इरादे उनके कमज़ोर हो जाएंगे, और जो माँ बाप अपने बच्चों की तालीम के लिए जो उम्मीद रखते हैं कि अच्छी तालीम हासिल करेंगे और उनके अरमानों को भी पंख लगेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से चूँकि माननीय मंत्री जी ने ये कहा है, मैं भी उनसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान के नक्शे को देखा जाए तो हिंदुस्तान के नक्शे में बिहार वहाँ पर अवस्थित है जहाँ इंसान का दिल होता है। और जब आप एक साहित्यकार हैं, आप एक अच्छे कहानी लिखने वाले हैं और आपकी बहुत ही साहित्यिक कहानियाँ भी हैं, जब आपने प्रस्ताव पेश किया तो आपने कहा कि खुशी मन से आप अपने इस बिल को पास करें, तो मैं उसी मन से, जहां बिहार का दिल है, मैं आपको बता रही हूं कि जो हिंदुस्तान के नक्शे में बिहार वहां अवस्थित है जहां इंसान का दिल होता है, तो मैं आपसे 2 मांग करती हूं कि बिहार के बहुत सारे बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं, मैं आपसे मांग करती हूं कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, और झारखंड में चूँकि आदिवासी इलाका है और मेरा लगाव झारखंड से भी है, वहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कहकशान परवीन जी, यू हैव फिनिश्ड इन टाइम।